आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन है, कंसिस्ट द फॉलोइंग नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर्स एक्सटेंडेड अप टू इनफाइनाइट, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू। मतलब कि हमारा एक इनफाइनाइट टर्म तक जाने वाला एक सर्किट है ना, कैपेसिटर का, तो उसमें पी और क्यू का दो टर्मिनल है, तो इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि इसके क्रॉस अगर हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, चूंकि हमारा ये टर्म क्या है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसका मतलब अगर हम एक टर्म को नेगलेक्ट कर देंगे तो इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि आर और एस को हम क्या कर लें, अगर हम सिर्फ आर और एस से कंसिडर करें, है ना, तो भी हमारा जो आर एस के क्रम जो होगा वो हमारा क्या आएगा, ये भी हमारा इनफाइनाइट तक ही है। आ रही बात समझ में? लेकिन अगर हम पी और क्यू और आर एस, आर और एस वाले में कंपेयर करें, तो हमारे पी और क्यू में क्या से स्टार्ट हो रहा है, सी एंड किस से स्टार्ट हो रहा है, टू सी से। और हमारा आर और एस वाले में किस से स्टार्ट हो रहा है, उसमें हमारा सी की जगह पर कितना हो जा रहा है, टू सी, और टू सी की जगह पर हमारा कितना हो जा रहा है, फोर सी हो रहा है। इसका मतलब अगर हम ध्यान देंगे तो बेसिकली इसका इफेक्ट कितना हो रहा है, अगर यहाँ पे एक्स होगा तो यहाँ पे बेसिकली हमारा कितना हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा। आ रही बात समझ में? इसका मतलब अगर हम P और Q के क्रॉस अगर हमने X माना है इक्विवेलेंट को, तो हमारा ये बेसिकली हमारा R और X के क्रॉस हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा 2X आ जाएगा। ये हमारा क्या है, R, और ये हमारा क्या है, S है। तो अगर हम ध्यान दें तो अब हमें क्या इस प्रकार से सर्किट मिलेगा, है ना। तो अगर हम ध्यान दें तो हमारा 2X किससे सीरीज में है, 2C से सीरीज में है, और पैरेलल किससे है, हमारे C से पैरेलल ही है। ठीक है, तो हमारा ऐसे दिखेगा, हम इसको अगर इसको सॉल्व करेंगे 2x और 2c को, तो हमारा इसका जो आएगा ये हमारा क्या मिल जाएगा, ये वाला जो आएगा है ना, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारा अगर सीरीज की बात करें तो हमारा इक्वल क्या हो जाता है बेसिकली, वो हमारा हो जाएगा 2c into 2x, और दोनों का जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 2c plus 2x हमारा क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ c plus x हो जाएगा। क्लियर है? तो इससे हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा इसका c इक्वल जो आएगा इन दोनों का, वो हमारा क्या आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा 2cx upon c plus x आएगा। और ये किससे पैरेलल है, इससे c से पैरेलल है। ठीक है, और ये इसका फुल इक्विवेलेंट हमारा कितना आ रहा है, x आ रहा है, यानी हमारा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस प्लस दिस का पैरेलल। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इसकी वैल्यू कितनी आई, वो हमारा आया 2cx upon c plus x आया है। ठीक है, अब इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें x इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, ध्यान देंगे तो यहाँ पे c स्क्वायर प्लस cx प्लस का 2cx अपॉन क्या हो जाएगा, c प्लस x होगा। ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा cx प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर प्लस cx प्लस का 2cx मिलेगा। ठीक है, यहाँ से हमारा देखेंगे तो cx से cx हमारा कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो हमारा ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, x स्क्वायर माइनस का 2cx प्लस का माइनस का सी स्क्वायर बनेगा। ठीक है, माइनस का सी स्क्वायर बनेगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, x इक्वल टू अगर हम सॉल्व करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू मिलेगा सिर्फ धाराचार्य से, हमारा क्या होता है माइनस बी, तो माइनस बी हमारा क्या जाएगा, प्लस का टू सी होगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, फोर सी स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर, माइनस क्या होता है, फोर इंटू ए, यहाँ पे ए की वैल्यू कोफिशिएंट कितना, वन इंटू क्या हो जाएगा, सी, और सी का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, माइनस का सी स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन क्या होता है, टू इंटू ए, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है हमारा, वन है। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता होगा, सीधे धारा चाहेगा, एक्स इक्वल टू हमारा होता है, वो हमारा होता है माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन क्या होता है, टू ए होता है। क्लियर है, तो जब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इससे क्या मिल जाएगा, ध्यान देंगे तो ये हमें मिलेगा एक्स इक्वल टू टू सी प्लस माइनस, ये अंदर क्या आ जाएगा हमारा, अगर ध्यान देंगे तो ये हमारा आ जाएगा एट सी स्क्वायर अपॉन टू। तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक्स इक्वल टू हमें मिलेगी टू सी प्लस माइनस, यहाँ पे क्या एट सी स्क्वायर आएगा, है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान देंगे तो हमारा आ जाएगा टू रूट टू सी आ जाएगा, और बट्टे में कितना है, टू है। ठीक है, तीसरे में एक्स की वैल्यू जो फाइनल आएगा हमारा आ जाएगा सी प्लस माइनस रूट टू सी होगा, क्योंकि हमारा ध्यान देंगे तो हमारा एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, वो हमारा होगा, अगर हम प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा, सी प्लस रूट टू सी होगा। क्लियर है, और हमारा अगर माइनस लेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, वो हमारी आएगी सी माइनस रूट टू सी होगी।
अगर आप इसमें ध्यान देंगे तो हमारा ये हो क्या रहा है, यहाँ पे हम सी से पैरेलली कुछ जोड़ रहे हैं, इसका वैल्यू क्या होगा, हमेशा ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी। इसका मतलब पैरेलली में जब हम जोड़ेंगे तो इसका इक्वल क्या हो जाएगा, हमारा सी से ज्यादा ही आएगा। ठीक है, सी से हमेशा क्या आएगा, ज्यादा, इसलिए ये जो वैल्यू है हमारी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमारा कौन सा इक्वेलेंट हो जाएगा, वो हमारा होगा एक्स इक्वल्स टू, या फिर इक्वेलेंट इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, हो जाएगा सी प्लस का 1+√2 होगा। क्लियर है, तो हमारा क्या जाएगा, सी इक्वेलेंट होगी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।